साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी गन लाइसेंस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 8700 से ज्यादा देसी विदेशी व जिंदा कारतूस और 7 हथियार बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 2 राइफल, 2 गन और 3 विदेशी पिस्टल शामिल है। हथियारों के इस जखीरे की बरामद की पुलिस ने फर्जी गन लाइसेंस के मास्टरमाइंड मनीष भारद्वाज से की है। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स का नाम मनीष भारद्वाज है। मनीष भारद्वाज गुरुग्राम पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके फर्जी गन लाइसेंस का मास्टरमाइंड है। ये कैसा मास्टरमाइंड जो अब तक 693 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस बना चुका है और इन्हीं फर्जी लाइसेंस के जरिए अवैध हथियारों की सप्लाई भी करता था। ये मनीष भारद्वाज है, इसे गिरफ्तार किया गया है। किस मामले में सर? ये जो आर्म्स वाला मामला था उसी में ही ये दर्ज था। इनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ, कहां से गिरफ्तार किए थे? अभी इन्हें मोहाली से गिरफ्तार किया था, अभी बाकी रिमांड लेके बाकी कार्रवाई पूरी की जा रही है आगे। गुरुग्राम पुलिस मनीष की काफी दिनों से तलाश कर रही थी। आखिरकार एक मुखबिर की सूचना पर मोहाली से मनीष को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल ही गई। मनीष फर्जी लाइसेंस का गोरख धंधा कैसे चलाता था ये भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल मनीष अपने साथियों के साथ मिलकर आसपास के राज्यों से गन के फर्जी लाइसेंस तैयार करवाता था और उन्हें रिन्यू कराने के लिए गुरुग्राम में अप्लाई कर दिया जाता था। लाइसेंस रिन्यू के एप्लीकेशन आने पर अधिकारी जब संबंधित राज्य की एनओसी की मांग करते थे तो ये रजिस्ट्री पोस्ट से फर्जी एनओसी भेज देते थे, जिससे पुलिस विभाग को यही लगता था कि लाइसेंस दूसरे राज्य का बना हुआ है और उसी आधार पर गुरुग्राम में नए सिरे से गन लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। गुरुग्राम पुलिस को इस फर्जीवाड़े की जानकारी उस वक्त मिली जब एक लाइसेंस एक बार रिन्यू होने के लिए आया। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। गुरुग्राम से योगेश कुमार की रिपोर्ट।